लास्ट टाइम नील बोर का मॉडल हमने डिस्कस किया, उसमें कुछ बातें मैंने आपको बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जब डेल्टा ई उसे मिले एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल ई वन से कहाँ जंप करेगा, हायर एनर्जी लेवल ई टू की तरफ, और जब वापसी ई टू से ई वन पर जंप करेगा तो एनर्जी को लॉस करेगा। ऐसी कुछ बातें और भी हमने की थी, लेकिन फिलहाल उससे हम आगे अब बढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशन है बच्चों, लिमिटेशन से मुराद जहां तक ये थ्योरी महदूद है उससे आगे नहीं चलेगी, डेविएट करेगी, प्रॉब्लम्स निकल आएंगे वगैरह। तो आपको याद होगा बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, हमने बोहर का मॉडल कुछ इसी तरह डिजाइन किया था, ऐसे ही था बच्चों। मिसाल के तौर पर कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो डेल्टा ई को क्या करेगा बच्चों, अगर डेल्टा ई ना मिले तो एब्जॉर्ब करेगा, नो, एब्जॉर्ब करके जंप कहां से करेगा, ई वन से, और कहां चला जाएगा बेटा, ई टू पर, और दोबारा एनर्जी दो तो और आगे और फिर और आगे, और फिर जब मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी तो एटम से बाहर चला जाएगा, लेकिन अभी हम इसे एटम से बाहर लेकर नहीं जा रहे, न्यूक्लियस की पकड़ में ही है ये इलेक्ट्रॉन अभी, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पर चला गया है। अब जब ये वापसी लोअर एनर्जी की तरफ आएगा तो क्या होगा बेटा, एनर्जी को रिलीज करेगा, तो ये आ गया नीचे और एनर्जी को किया रिलीज, देन दोबारा आएगा नीचे तो दोबारा एनर्जी को रिलीज, दोबारा आएगा नीचे तो दोबारा एनर्जी क्या करेगा बच्चों, रिलीज करेगा। ये वाली बात समझ आ गई, सही है। और एक बात हमने और डिस्कस कर रखी है कि जब भी कभी ये एनर्जी रेडिएट होगी, जब आप इसे प्रिज्म से पास करोगे तो आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। लाइन स्पेक्ट्रम से मुराद कि हमारे पास कलर के बाद शार्प ब्लैक लाइन, कलर के बाद शार्प ब्लैक लाइन। तो क्योंकि इतने कलर्स अभी हमारे पास है नहीं कि हम रंगीनियां मचा सके, हम क्या करेंगे, एक ही मार्कर को सपोज करेंगे कि बहुत सारे कलर्स हैं। तो सबसे पहला कलर देखो, यहां से ये नंबर वन है, यहां से जंप करेगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन कलर की हमें नजर आएगी, ये हमें मिसाल के तौर पर हमें कलर की लाइन हासिल हो गई बच्चों, सही है। अब एक कलर के बाद क्या आएगा बेटा, शार्प ब्लैक लाइन, तो यहां पर एक शार्प सी ब्लैक लाइन आ गई। मिसाल के तौर पर ये शार्प ब्लैक लाइन भी आ गई हमारे पास, सही है। उसके बाद एनर्जी जब दोबारा रेडिएट हुई सेकंड नंबर पे, तो आपको एक और क्या मिलेगा बेटा, कलर या स्पेक्ट्रल लाइन। ये वाली बात समझ आई, और इस कलर के बाद दोबारा से आपको क्या मिलेगा, शार्प ब्लैक लाइन। क्यों बेटा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं होती, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी नहीं बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, ऐसी कुछ बातें की थी हमने, ओके बच्चों, सही है। और फिर तीसरे नंबर पे दोबारा एक और बार एनर्जी रिलीज हुई, ऐसा ही है, ठीक। तो क्या होगा, एक और कलर हमें हासिल होगा, इतनी बात समझ आई, ठीक है, कि हमें लाइन स्पेक्ट्रम तो हासिल हो गया, जो कि नील बोहर ने किस तरह ये फॉर्म होगा एक्सप्लेन कर दिया। नील बोहर ने रदरफोर्ड की जो एक ड्रॉबैक था उसे दूर तो कर दिया, लेकिन खुद एक परेशानी में फंस गया, और वो परेशानी क्या थी मैं आपको बताता हूं। ये स्पेक्ट्रम कब बना है बच्चों, नॉर्मल कंडीशंस पर, नॉर्मल कंडीशंस पर, सही। लेकिन अगर मैं इस एटम को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखूं,
मतलब जहां मैं स्पेक्ट्रम बना रहा था वहां पर मैं क्या कर दूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, ठीक है। तब क्या होगा, ये जो कलर की लाइन आपको नजर आ रही है बच्चों, शार्प लाइन पहले बना देता हूं मैं, ये जो आपको कलर्स की लाइन नजर आ रही है, ये पहला कलर है हमारे पास। सेकंड जो हमारे पास लाइन है बेटा वो सब लाइंस में ब्रेक हो जाएगी, मतलब एक जो सिंगल लाइन यहां पर आपको नजर आ रही है ये वाली, वो फर्दर डिफरेंट लाइंस में क्या होने लगेंगी, स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। ये वाली जो एक सिंगल ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ये भी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, स्प्लिट हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि अगर आप एटम को या स्पेक्ट्रम को आप बनाओ कहां पर, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड के अंडर, तब क्या होगा, क्या होगा, ये जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी, ये जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी जो कि नॉर्मल कंडीशन पे बनी थी, ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अब स्प्लिट होने से प्रॉब्लम क्या है, स्प्लिट होने से मतलब ये हुआ कि भाई नील बोर ने कहा था कि दीज ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल वन, एनर्जी लेवल टू, एनर्जी लेवल थ्री, एनर्जी लेवल फोर, ऐसा ही मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन एनर्जी मे हैव सर्टेन, इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन ऑर्बिट मे हैव सर्टेन एनर्जी, एज इट कीप रिवॉल्विंग इन दैट ऑर्बिट इट नेदर लॉस और नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहने वाली है। बात समझ आ रही है, अगर आप मिसाल के तौर पर, मिसाल के आप नाइन्थ क्लास में हो तो आप नाइन्थ क्लास में ही रहोगे पूरे साल, ऐसा नहीं है कि आप नाइन्थ आज आए हो तो नाइन्थ में, कल आए हो तो मैट्रिक में, फिर आए आप नाइन्थ में, अगले दिन आए तो सेकेंड ईयर हो गया, ऐसा नहीं होता। आप जिस स्टेट में हो आप उस स्टेट को कैरी करोगे अच्छे खासे वक्त तक, इलेक्ट्रॉन के लिए तो फॉर इनफाइनाइट टाइम है लेकिन आपके लिए एक साल का वक्त होता है अगर आप माशाल्लाह से फेल ना हो तो। तो इलेक्ट्रॉन जब तक कि एक ऑर्बिट में है वो अपनी एनर्जी को क्या रखेगा, बरकरार रखेगा, ऐसे ही तो बरकरार रख रहा था जबी तो एक लाइन मिल रही थी हमें, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ये लाइंस स्प्लिट होने का मतलब क्या है, लाइन स्प्लिट होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहते हुए भी अपनी एनर्जी मुख्तलिफ रख सकता है। ये क्या था, ये एन वन था, एन टू, एन थ्री, एन वन, एन टू और एन, ये वाली बात समझ आई, ठीक है। कि अगर मैं स्पेक्ट्रम को फॉर्म करूंगा कहां पर, कहां फॉर्म करूंगा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमन स्टार्क इफेक्ट। अब हम पॉइंट पे आ गए अपने, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, ज़ीमन इफेक्ट, ज़ीमन इफेक्ट, ज़ीमन इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ रहे हो बच्चों, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, टुकड़ों में बट रही है, तो इस इफेक्ट को क्या कहेंगे हम, ज़ीमन इफेक्ट। और अगर स्प्लिटिंग हो जाए स्पेक्ट्रल लाइन की, स्पेक्ट्रल लाइंस की अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड, अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड, तब उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, स्टार्क इफेक्ट, तब उसे क्या कहेंगे,
तो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, समझाना ये चाह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू नील बोर हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल में है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी? सेम। जब एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ भी हमेशा सेम ही रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हमें लाइन भी सिंगल मिलेगी भाई। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यही सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन ब्रेक हो जाती है डिफरेंट लाइंस के अंदर। तो ये ब्रेक क्यों हो रही है? नील बोर के पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। तो ज़ीमन आयन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नील बोर का एटॉमिक हो गया फेल। समझे कुछ बात? और ज़ीमन आयन इफेक्ट है क्या? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमन आयन इफेक्ट। ज़ीमन 4 मैग्नेटिक, स्टार्क 4 इलेक्ट्रिक। कुछ समझे? ये तो हो गई भाई पहली खामी, ज़ीमन आयन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। सेकंड बच्चों, सेकंड, तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट यही है स्टार्क वाला। पहला था हमारे पास ज़ीमन, सेकेंड पॉइंट था हमारे पास स्टार्क। तो दोनों को एक साथ मैंने मिलाकर आपको बता दिया, कुडंट एक्सप्लेन ज़ीमन आयन इफेक्ट। समझ गए बात? तीसरा पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, कुडंट एक्सप्लेन हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पेज नंबर आई गेस 30-42 होगा, आई गेस, पता नहीं, बुक के पेजेस याद नहीं। पेज नंबर 43, लिमिटेशन की हेडिंग लगी हुई है। कुछ समझे बच्चों? ठीक है, सेकंड पॉइंट आपकी बुक के मुताबिक थर्ड पॉइंट कि नील बोर एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। क्या? हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझाने में। अब हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कॉम्प्लिकेटेड बात है, जिसका मजा आप लोगे फर्स्ट ईयर में। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, बुक में एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, मैं आपको हिंट कर देता हूं बस। लेकिन आगे थोड़ी सी कहानी मौजूद है डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली एक शख्स था जिसके मुताबिक मैटर हो या नॉन मैटर, वो दोनों ही नेचर को कैरी करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मैटर हूं तो मेरे अंदर नॉन मैटर की भी करेक्टरिस्टिक होगी। अगर कोई नॉन मैटर है जैसे कि लाइट, तो उसके पास मैटर की भी करेक्टरिस्टिक होगी। कुछ प्रॉब्लम हो गई है? पहले पॉज कर लो, देन उसे सेट कर लो। बस ठीक है, बोर्ड कवर हो गया ना काफी। तो थर्ड पॉइंट के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डी ब्रोगली, आगे आप पढ़ोगे, उसके मुताबिक हर सब्सटेंस के अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक पाई जाती है। डुअल नेचर, नेचर डुअलिटी कहते हैं इसे हम। मैटर नॉन मैटर की तरह भी बिहेव कर सकता है, और नॉन मैटर मैटर की तरह भी। वो डिपेंड करेगा उसके मास और उसकी वेलोसिटी पर। अगर मैसिव बॉडी है, मास ज्यादा है, तो वो मैटर की तरह बिहेव करेगा, और अगर मास ना होने के बराबर और स्पीड जो है उसकी तकरीबन लाइट के बराबर, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव की तरह, नॉन मैटर की तरह। समझ रहे हो बात? अब इलेक्ट्रॉन का अगर आप मास चेक करो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। ये मास तो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, ना होने के बराबर है ये। बात समझ लो, ना होने के बराबर है। जैसे कि अगर आपने एवोगाड्रो नंबर देखा है ना, 6.02 एक्सपोनेंट, अगर ये 23 पावर को मैं देखूं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी एग्जांपल दी जाती है कि अगर एक एटम, एक मोल में कितने एटम होते हैं? इतने होंगे ना, सोडियम के एक मोल में कितने एटम होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर एक एटम का साइज एक बास्केटबॉल जितना हो जाए, ठीक है, एक एटम का मास एक बास्केटबॉल जितना हो जाए, तो सिर्फ एक मोल एटम इतने ज्यादा हो जाएंगे कि
जितना बड़ा हमारा ये प्लैनेट है ना अर्थ, एक और प्लैनेट बना लेंगे वो अकेला सिर्फ एक मोल, तो ये इतनी बड़ी तादाद होती है। बात समझ आ रही? बास्केटबॉल जो होते हैं उन्हें इस तादाद में अगर इकट्ठा कर लोगे ना तो हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया बन जाएगी, इतना ज्यादा है ये नंबर। तो यहां पर क्या है 23, वहां पर क्या है 31 तो और बड़ा नंबर होना चाहिए, लेकिन माइनस है तो उल्टी बात कर लेते हैं कि बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू है ये, तो अंदाजा हुआ सही। तो ये -31 क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 2.6 × 6 मीटर/सेकंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, कम है पर खैर। स्पीड ऑफ लाइट पता है किसी को? स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 8 मीटर/सेकंड। तो देखो पावर में कितना फर्क है, 2 का है ना 6 और 8, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो लाइट से सिर्फ 100 गुना कम है। सिर्फ 100 गुना तो नहीं, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा स्पीड है। तो इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को किसी तरह बिहेव करना चाहिए, मैटर या नॉन मैटर? नॉन मैटर। नॉन मैटर का मास ना होने के बराबर और स्पीड, तो क्या ही बात है फिर। बात समझ आ रही? तो भाई इलेक्ट्रॉन को किसी तरह बिहेव करना चाहिए, वेव का मास नहीं होता, वेव जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर नॉन मैटर जैसा है, मास इंतहाई कम, स्पीड इंतहाई ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को तो किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? लेकिन अकॉर्डिंग टू नील बोर इलेक्ट्रॉन तो मैटर होता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन मैटर, मैटर की तरह पार्टिकल नेचर रखता है। जे जे थॉम्सन भी यही कहता था, नील बोर भी के मुताबिक भी यही कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है। अब प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मैटर है या नॉन मैटर, वेव किस तरह ट्रेवल करती है? वेव स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है या फिर क्रस्ट और ट्रफ में? क्रस्ट और ट्रफ में। भाई वेव तो इस तरह मूव करेंगी, ऐसा ही है ना? तो क्या कोई वेव सर्कुलर पाथ बना सकती है? वेव तो सर्कुलर पाथ नहीं बना सकती, समझ रहे हो बात? तो नील बोर कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर पाथ में, जिसे हम एनर्जी लेवल या शेल कहते हैं। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन की नेचर तो वेव जैसी है, और वेव सर्कल कैसे बना सकता है बच्चों? समझ रहे हो कुछ बात? तो भाई ये जो हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सका नील बोर का मॉडल, जबकि थ्योरी ये नहीं है उसकी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को एक साथ मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव की तरह। जबकि नील बोर कहता है इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को भी निकालो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी निकालो एक साथ, कोई टेंशन नहीं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा? बात समझ आ रही है? तो भाई हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इससे एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो पहले पॉइंट के अंदर हमने बात की ज़ीमन आयन इफेक्ट की, ज़ीमन एंड स्टार्क आयन कह रहा हूं सॉरी ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका बच्चों। सेकंड हमारे पास हीजनबर्ग, हीजनबर्ग भी कमाल का बंदा था। हीजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। और आखिरी बात, ओनली एप्लीकेबल बोहर मॉडल, बोहर्स मॉडल ओनली एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, हीलियम का कैट आयन, लिथियम का कैट आयन, बेरिलियम का कैट आयन। मतलब बोहर का मॉडल आप सिर्फ किस पर अप्लाई कर सकते हो? ऐसी स्पीशीज पर जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बोहर का मॉडल हो जाएगा फेल। कुछ समझे?
उम्मीद है कुछ बात समझ आई होगी कि ज़ीमन आयन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता बोहर का मॉडल, जस्टिफाई नहीं कर सकता, हीजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जस्टिफाई नहीं कर सकता, और साथ ही साथ वो एटम या वो आयन या वो स्पीशी जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ पूछने वाली बात है तो कोई भी सवाल पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। ओके और अब जो हम बातें करने वाले हैं वो बड़ी भारी भरकम सी बातें हैं, पहले 9th क्लास में नहीं थी, खैर थी तो ये भी नहीं, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक ठीक है। अब जो बातें हम करेंगे वो 9th क्लास के बच्चों को पहले नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि ऐसा लगता था कि 9th के लेवल की नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो हमसे समझदार हैं, ठीक। तो आप वो चीज़ें समझ सकते हो जो हम 9th क्लास में समझ तो चलिए देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो अब हम चलेंगे एक मॉडर्न टाइम की तरफ, मॉडर्न फिजिक्स की तरफ या मॉडर्न केमिस्ट्री की तरफ। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। टाइम हो गया इतनी जल्दी, अभी तो मजा आ रहा था, जब मुझे पढ़ाने मिलता है ना तो बड़ा मजा आता है मुझे, अभी तो है भाई, बार बार मौके कहाँ देते हो तुम लोग पढ़ाने के लिए मुझे। आखिरी वाला समझ लो कि अगर किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तभी बोहर की सारी बातें आप उस पर चिपका सकते हो, बोहर के पोस्टुलेट उस पर एप्लीकेबल है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कोई सवाल है? सवाल है?